नित्यम बदोयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणी भूतानि न तुम शोचित महर्षि अर्जुन सुन समझ इस बात को कि यह आत्मा सभी शरीरों में अवध्य ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण अवध्य है अवध्य मैंने जिसको मारा नहीं जा सकता भगवान कह रहे हैं कि जिस शरीर में जिस मन में जिस बुद्धि के साथ तू है अर्जुन उस देह उस मन का धर्म है क्षत्रिय और तेरे मन में जो क्षात्र धर्म है क्षात्र द वॉरियर्स यू आर अ वॉरियर एंड यू कैन नॉट बी विदाउट वॉर अब यहां कृष्ण मन के तल पर आ रहे हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे मन के तल पर जो हमारा बिहेवियर है जो स्वभाव बन जाता है मन का आप अपने उस स्वभाव से पीछे नहीं हट सकते आत्मा के तल पर कोई परिवर्तन नहीं है पर मन के तल पर सबके स्वभाव अलग अलग हैं किसी के स्वभाव में जोश है किसी के स्वभाव में होश है किसी के स्वभाव में लेखन है किसी के स्वभाव में सोना है किसी के स्वभाव में क्रिया करना है किसी के स्वभाव में यही रुचता है कुछ करना ना पड़े किसी के स्वभाव में है उस काम किए बगैर नहीं रह सकता और किसी के स्वभाव में उसको तो मैं भी बोल दू ना ये काम कर दे तो दो घंटे बाद देखूंगी तो वो काम ठीक से नहीं हुआ होगा वट कैन यू डू अबाउट दैट कृष्ण से इज जस्ट एक्सेप्टेड जैसे हो एक्सेप्ट कर लो और तू स्वीकार कर अर्जुन के तेरा क्षत्रिय धर्म है तेरे मन बुद्धि में रजोगुण है और तू युद्ध किए बगैर रह नहीं सकता तेरा मन बुद्धि ब्राह्मण नहीं है तेरे मन बुद्धि में निष्क्रियता नहीं है तू कर्म किए बगैर रह नहीं सकता तो युद्ध कर जिसके स्वभाव में मैं इसमें थोड़ी सी एक बात और जोड़ना चाहती हूं जो हमारे स्वभाव होते हैं वह कंडीशनल है परिवार आप ब्रिंगिंग इस सब का फर्क आता है कैसे खाना चाहिए कैसे उठना चाहिए कैसे बात करनी चाहिए ये जो ढंग है वो आपके स्वभाव में अचानक से नहीं आ गए वो पहले दिन से जो माँ की गोद में खेले हैं जिस घर में जिस परिवार में रहे हैं उनके द्वारा की गई उन क्रियाओं को जाने अनजाने तुम्हारे मन ने स्वीकार कर लिया है और तुमको वो ठीक लगता है जैसे मांस खाने वाले के घर में अगर तुम्हारी पैदाइश हो जाए और सब खा रहे हों और तुम्हारी माँ ने भी तुमको पहली जो भोजन का ग्रास है वो मांस का दिया होता तो तुम्हें मांस कभी बुरा नहीं लगता ऐसे बैठो ऐसे सो ऐसे खाओ अब कई घरों में हर घर में आप देखिए इस तरह के भेद हमको दिखाई पड़ते हैं और बच्चे उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारा आज जो स्वभाव है हमारा आज जो प्रेफरेंसेस हैं जो हमारी चॉइसेस है जो हमारी आदतें हैं आर प्रेफरेंसेस आर चॉइसेस आर हैबिट्स आर बिहेवियर्स आर ऑल सोसाइटियल कंडीशनिंग ऐसे ही नहीं होगा आत्मा के तल पर कोई भेद नहीं है पर मन के तल पर आपका समाज मां बाप इन सब का एक हिस्सा है जो आपके मन में गया है जैन घर में पैदा हो तो शाम के बाद भोजन वो खा ही नहीं सकेगा क्योंकि जैन घरों में यही संस्कार चल रहा है कि सूर्य अस्त से पूर्व भोजन हो जाए उसके बाद तुम अगर उसे खिलाओ और उसके संस्कार आड़े आ जाएं उसको वमन हो जाएगा उसे उल्टी हो जाएगी वो नहीं खा पाएगा उसका शरीर स्वीकार नहीं कर पाएगा भोजन को अर्जुन के स्वभाव में बचपन से युद्ध के संस्कार युद्ध की ट्रेनिंग द्रोणाचार्य से सारी शिक्षा किस बात की हुई शस्त्रों की किस बात की कि हम क्षत्रिय हैं और हमारा धर्म है देश की रक्षा करना आक्रमक दुश्मनों से इस देश को बचाना देश के लिए मर जाना ये तुम्हारी ब्रिंगिंग तुम्हारे पालन पोषण का हिस्सा है और अर्जुन अब तू शोक और आसक्ति के कारण अपने इस स्वभाव से पीछे नहीं हो सकता तेरा धर्म है ये दिस इज द ड्यूटी दिस इज ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फुलफिल इट स्वधर्मपी चाबेक्ष तेरा धर्म क्या है उसको देख आवेक्ष देख और ऐसा देखकर विकंपितुम तुम बै को प्राप्त मत हो वो धर्म क्या है क्षत्रिय अपने क्षत्र धर्म को निभाओ क्योंकि धर्म धर्मयुक्त किए युद्ध को करना युद्धाच्रेय श्रेष्ठ है यह युद्ध जो है यह किसी स्वार्थ के लिए नहीं हो रहा है यह युद्ध धर्म का हो रहा है और तू क्षत्रिय भी है तो अपने धर्म का पालन कर और इस धर्म युद्ध में निशंक होकर कल्याणकारक कार्य को करो You are a warrior, and this war is happening for a cause. किसी कारण से हो रही और हद की बात तो ये है एक तरह से भगवान ये भी कह रहे हैं कि तेरी अकल क्या मेरे से ज्यादा है हम सब सोच समझ के ही युद्ध के निर्णय को लिए हैं और अब इस युद्ध में जब पहुंच गए हाउ कैन यू बैक ऑफ कैन नॉट और पीछे हो रहे थे जिस शोक और आसक्ति के कारण उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि हमने बात स्पष्ट कर दी है देह बदलेगी आत्मा अपरिवर्तित है तो शोक किस बात का? ये बात तू समझ और अगर तुझे समझ आ गई तो युद्ध कर देखिए अपने व्यवहार के अपने स्वभाव के साथ जो आपके स्वभाव के साथ जो आपका व्यवहार जुड़ा है बड़ा मुश्किल है उस स्वभाव को परिवर्तित करना आप अगर स्वभाव से देने में प्रसन्न होते हो तो तुम कभी जोड़ ही नहीं सकोगे दोगे देने में आनंद हो रहा तुमको किसी के स्वभाव में सहजता से कार्य करना है और जो कार्य करना है उसको सक्षम और दक्षता से करना है। ऐसे आदमी को तुम कहीं बैठा दो कहीं बैठा दो परफेक्ट काम करेगा पर जिसके स्वभाव में नलायकी आ जाए ना उसको कहीं बैठा दो जो केयरलेस है याद रहे जो केयरलेस है वो अपने दैनिक कार्यों में भी केयरलेस होगा और ध्यान पूजा करेगा तो उसमें भी केयरलेस होगा और ध्यान करेगा तो उसमें भी केयरलेस होगा और जब सत्संग सुनेगा तो उसमें भी केयरलेस होगा जिनके स्वभाव में अशिष्टता है वो कहीं चले जाए अपनी उस अशिष्टता का प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे जैसे खुला मुंह उबासी ले रहे समाज के कुछ नियम जिसमें शिष्टाचार और अशिष्टाचार की कुछ एक धारणाएं बन गई और यह हर समाज की अलग होती जो हमारे यहां है वो अमेरिका में नहीं है वो इंग्लैंड में नहीं है सबकी अलग अलग अब चार बंदों के बीच आप बैठे हो और, और नाक में अंगुली डाल के घुमा रहा है हला, नाक उसका उंगली उसकी कहीं भी डाले मुंह में की कान में कहीं भी डाले तुम्हें क्या दिक्कत पर कोई यूं यूं नाक में उंगली घुमाए सबके सामने और अंदर से माल निकाल निकाल के दिखाए देखो क्या निकला कैसा लगे ये क्या कर रहे अब तुमको वो इस तरह का काम करना अगर अजीब लगता है मैं अभी जब इंग्लैंड में थी तो वहाँ अखबार में पढ़ रही थी कि इंग्लैंड की महारानी को नाराज करना बहुत आसान काम है आप उसके सामने चाय पीने बैठे हों और चीनी जो आपने डाली उस चम्मच को जोर जोर से हिलाओ कप में मैंने कप में टन 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 साथ में हो बोले महारा कुछ ना करो महारानी इतने में ही जाएगी क्योंकि ये उनके लिए अशिष्टाचार है ऐसे कईयों की आदत होती कप में ऐसे चीनी हिलाई तो पहले जोर जोर से लाएंगे फिर कप पे ठोकेंगे ये तो इंग्लैंड की महारानी के लिए गाली हो जाएगी और चाय का कप उठाया और सुड़कुड़ू करके पिया तो वो गोली मार देगी तुम्हें अब जिस आदमी का स्वभाव ऐसा करने का है में एक चीज अगर आ गई तो वो जहां भी जाएगा वैसे ही करे हमने बचपन में एक ड्रामा देखा था लाइव परफॉर्मेंस थी उसमें एक दृश्य आता है कि महारानी को महल छोड़ के भागना है क्योंकि दुश्मन आ गए हैं और मार देंगे वो उसको और सब भाग रहे सब भाग रहे करें बहुत चलो 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 और महारानी की मेरा इत्र कह है मेरा टिलेदार जूता कहा है और उसके सब नौकर कह रहे दुश्मन आ गए और वो कह रही मेरी शाल कहा है मेरी पालकी कहा है मेरे कांटे ठीक नहीं है मेरे झुमके कहाँ है मेरे गले का नौरानी हार कहाँ है और सारे नौकर कह रहे भाग चल म, मरेगी मरवाएगी चल और वो आए दुश्मन तो आए अब क्या करें हम स्वभाव के विरुद्ध न जाओ क्षत्रिय धर्म में जिसकी पालना हुई है वो युद्ध के बगैर रह नहीं सकेगा और याद रहे जो अर्जुन कह रहा था ना पीछे मैं क्षेत्र में चला जाऊंगा और सन्यासी हो जाऊंगा याद रहे जिसकी रगों में वीरस दौड़ रहा हो ऐसा आदमी अगर सन्यासी हो जाए तो वहां पर भी वो वही बुझाएं फड़का फड़का करके बात करेगा भिक्षु तो नम्रता और क्षत्रिय से नम्रता होगी क्या भिक्षु जाए भिक्षा लेने तो वो बहुत प्रेम और कोमल स्वर से कहता है नारायण हरि और ये क्षत्रिय बन जाए सन्यासी दरवाजा पीट के तोड़ के कहेगा लादे स्वभाव स्वभाव से मन के स्वभावों से बाहर नहीं आया जा सकता सत्य यह भी नहीं आया जा सकता है लेकिन अब वो एक मिनट का काम तो नहीं ना जो जो आपकी ट्रेनिंग इतने लंबे सालों चली है वो एक क्षण में तो डिलीट होनी जाएगी पर संभावना उसकी है डिलीट हो जाने की जो आत्मज्ञानी हो गया है और वो होश पूर्वक चाहे तो क्षण में अपने मन पर दृष्टि करे और उसकी होश बराबर उस चीज में बनी रहे तो स्वभाव बदले जा सकते हैं पर ये फिर एक बड़ी गहरी साधना हो जाएगी इट्स नॉट दैट इजी टू चेंज को, स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं सो so भगवान कह रहे तू तो क्षत्रिय है और क्षत्रिय धर्म का पालन कर युद्ध करना और ये धर्म युद्ध है इस धर्म युद्ध का पालन करना तेरे लिए आवश्यक है सो so, समझ आ गई हो सारी बात तो करो युद्ध श्लोक बत्तीस यस्याचोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीतृषम् अथ चेतत्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यासि आकीर्ति चापी भूता कथयशंति व्यायाम संभावित चाकीर्ति मरणादतिच्य सुखिन क्षत्रिय पार्थ पार्थ अर्जुन का ही एक नाम है भगवान कह रहे हैं हे पार्थ तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले अगर तू स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध करता है तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा श्री कृष्ण एक बहुत कुशल चालाक गुरु है अर्जुन की क्षमता और उसकी संभावना से वो बलि भांति परिचित और यह बात जानते हैं कि स्वधर्म व्यक्ति के अंतस तक पहुंचा होता है और वहां घात कर रहे हैं अब श्री कृष्ण शुरुआत की देह से दे नाशवान है पहुंचे आत्मा तक आत्मा अविनाशी है और देह और आत्मा के मध्य जो है मन अब अर्जुन के मन को मन को पकड़ रहे हैं उसके अर्जुन का मन कैसा है पिछले श्लोक में वो कह चुके हैं स्वधर्म पी चावेक्ष नवीकम पितु महर्षि स्वधर्म का जो पालन करे तो तुझे क्यों भय हो एक सैनिक का धर्म क्या है युद्ध करे युद्ध की आन पड़े और वो सेना से अगर भाग जाए तो ऐसे सैनिक को भगौड़ा कहा जाता है भगौड़े सैनिक के ऊपर कार्रवाई की जाती है बहुत सख्त उसको जेल में डाला जाता है कि जब देश को आवश्यकता थी युद्ध लड़ना था पूरी ट्रेनिंग पूरा डिसिप्लिन दिया गया आर्मी में एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा सिस्टम है सैनिक को तैयार किया जा रहा है कि जब भी युद्ध की बने तो वह सक्षम हो युद्ध करने के लिए और यहां युद्ध की घोषणा हो जाए और सैनिक बैरक छोड़ के चला जाए ये तो सैनिक धर्म के विरोध बात है इस बात को भी याद रखना अगले आने वाले सभी श्लोकों में अर्जुन के मन को टारगेट बनाया गया है और ये तुम्हारे लिए शायद समझना ज्यादा भी आसान होगा क्योंकि या तो तुम देह को समझते हो या थोड़ा बहुत मन को आत्मा को तो तुम समझते नहीं हो इसलिए जब जब आत्मा का वर्णन किया तब तक तुमने ठीक से समझने में कष्ट महसूस किया किसी को सहजता से बौद्धिक तल पे हुआ और किसी का दिमाग और अधिक प्रश्नों से घिर गया जब प्रश्नों से तुम्हारा मन घिर जाए ज्ञान के इन वचनों को सुन तो जानना अभी तुम्हारी बुद्धि तैयार नहीं हुई है इसको हजम करने के लिए पात्रता भी नहीं पात्रता का अर्थ नहीं कि यू डोंट डिजर्व एवरी वन डिजर्व तत्व ज्ञान पर डिजर्व का अर्थ है एक छोटे बच्चे का पेट एक ही रोटी जब पचा सकता है एक ही रोटी अब छोटे बच्चे को आप एक व्यसक जितना भोजन दे दें और जबरदस्ती उस बच्चे को खिला दें, बच्चे को वमन हो जाएगा हमारी बुद्धि की एक कैपेसिटी एक क्षमता है उस क्षमता से अधिक बुद्धि नहीं समझ पाती याद रहे साधना साधना कर करके आप अपनी बुद्धि की क्षमता को ही बढ़ाते जाते हो पारदर्शी हो जाती बुद्धि आत्मा के तल पर तुम में मुझ में कृष्ण में कोई भेद नहीं पर बुद्धि के तल में भेद है आत्मा के तल पे अर्जुन और कृष्ण का कोई भेद नहीं है पर बुद्धि के तल पर है कृष्ण वो हैं जिन्हें इस युद्ध से कोई सरोकार नहीं है कोई लेन देन नहीं है और उन्होंने यह बात भी स्पष्ट कर दी थी कि इस युद्ध में मैं अर्जुन तेरे पक्ष में खड़ा तो हूं पर मैं युद्ध में भागीदारी नहीं करूंगा और कृष्ण एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति है और महाभारत एक ऐसा अद्भुत युद्ध है कि कृष्ण की सेना कृष्ण के ही सामने हथियार उठा के खड़ी होगी और कृष्ण को इसमें कोई दिक्कत नहीं है सेना किस लिए बनाता है राजा ताकि जहां जरूरत पड़े वो अपनी सैन्य शक्ति के द्वारा अपना या अपने मित्रों का सुरक्षा और सहयोग दे सके श्री कृष्ण तो अद्भुत है ही इज नॉट ए वॉर मांगर ही इज नॉट अ प्रोपोगेटर ऑफ वायलेंस एट ऑल एज इफ is प्लेइंग सम गेम अपनी सारी सेना दे देता है दुर्योधन को खुशी खुशी और अर्जुन के अगर पक्ष में खड़ा भी है तो उसे कहता है मैं तेरे साथ युद्ध में हूं पर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा वार नहीं करूंगा तेरे पे भी अगर वार हो रहा होगा तो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं तू देख तू योद्धा है तू अपने आप को कैसे बचाएगा श्री कृष्ण से ज्यादा न्यूट्रल व्यक्ति और कोई है ही नहीं अब साथ में भी रहना है अर्जुन के तो कैसे रह सकते हैं तो एक ही तरीका जो संभव था कि वो उसके रथ के सारथी बन जाएं क्योंकि ये रथ इस तरह से बने हुए थे जिसमें योद्धा खड़ा होता है बैठता नहीं है। भाई तुम सैर करने थोड़ी जा रहे हो उस रथ में कि कंफर्टेबल सोफा लगा होगा जैसा मुंबई में चलता है विक्टोरिया या तांगा योद्धाओं के रथ इस तरह बनते थे कि योद्धा खड़ा है और सारथी चला रहा है अर्जुन को वचन दिए तेरे संग रहूंगा अब संग रहने का अर्थ क्या है रथ में तो खड़े नहीं हो सकते अगर रथ में खड़े हो जाते हैं तो जो तीर लगे अर्जुन को वो इनको लगे तो सुरक्षित स्थान सबसे है सारथी क्योंकि युद्ध नियमों के साथ लड़े जाते थे और युद्ध का नियम एक यह रहता कि आप किसी भी योद्धा के सारथी को नहीं मारोगे बड़ा अद्भुत युद्ध है ये पहली बात इस युद्ध में सब रिश्तेदार दो भागों में बटे हुए पहली दूसरी नियम बने सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं होगा तीसरा सूर्यास्त जब हो जाता है तो उसके बाद पांडव कौरवों के क्षेत्र में जा रहे हैं और कौरव पांडवों की छावनी में आ रहे हैं हलचल पूछ रहे अच्छा घायल हो गए तीर लग गया कैसा सब तो है सब रिश्तेदार तो हैं सब मित्र हैं ससुर दामाद को पूछ रहा है दामाद ससुर को पूछ रहा है भांजा मामे को पूछ रहा है भाई भाई को पूछ रहा है अब ये ऐसा युद्ध कभी आज तक सुना तुमने और तो और जब भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर अर्जुन ने लिटा दिया तो उसी दिन युद्ध के समाप्त होने पर सूर्यास्त के बाद कृष्ण कहते हैं जाओ सब पांडवों को जाओ और जाकर के भीष्म पितामह से शिक्षा लो और जो शिक्षा विष्णु ने पांडवों को दी महाभारत के उस चैप्टर को कहा जाता है शांति पर्व मतलब क्या अशांति की बेस है कि जिनने मारा है वही जाके हाथ जोड़ के एक शिष्य की भांति बैठ के पूछते हैं हे hey विष्णु पितामह हमें उपदेश दीजिए और वो उनको शांति की सूचनाएं समाचार क्या क्या नियम पाले कैसे जीवन बिताए के अशांति जीवन में ना हो और मन में ना हो और भीष्म वो है जिसका सबसे ज्यादा अशांत मन था परंतु अर्जुन के बाण खाते ही जो लहू बहा शायद इससे कुछ ऐसा शुद्धिकरण हो गया भीष्म का कि जैसे वो थे निर्मल और शुद्ध मन वाले पुनः वैसे हो गए कहते पांडवों के साथ द्रौपदी भी गई थी जब भीष्म उपदेश दे रहे थे वो बहुत रोष से खड़ी रही भीष्म से राया न गया उनने कहा पुत्री तो इतने रोष में क्यों खड़ी है मैं तो अब घायल हो गया तेरे पति के हाथों और अब अपनी स्व इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण इंतजार कर रहा हूं कि मैं अपने प्राण छह महीने बाद छोड़ूंगा जब उचित मुहूर्त बनेगा भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है